आदाब साथियों, वैसे तो आपने ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देख ही ली होगी। डासना के देवी मंदिर में यति नरसिंहानंद के साथ वसीम रिजवी, जिसका पहले ही मुसलमान पुरजोर विरोध कर चुके हैं और उसका इस्लाम से बायकाट कर चुके हैं, यहाँ तक कि उसके माँ भाई परिवार सभी लोग उसको अपना मानने से इनकार कर चुके हैं। डासना के देवी मंदिर में वसीम रिजवी ने किताब यति नरसिंहानंद को भेंट की। किताब का नाम मोहम्मद है और इसमें पूरी तरह से मोहम्मद पैगंबर, इस्लाम के आखिरी पैगंबर और तमाम लोगों के आका, हम सब के आका मदनी पर पूरी तरह से अजीब व गरीब तरीके की गलत बयानी लिखी गई है। इस पर बाहर जो है अर्धनग्न तस्वीर इस पर छपी हुई है और इस किताब को यहाँ ये मंदिर में प्रस्तुत किया। और वसीम रिजवी क्या कुछ कह रहे हैं वो हमने आपको पहले भी सुनाया है। कुरान में 26 आयतों का इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 50,000 का जुर्माना लगाकर इनकी याचिका को खारिज किया था। इस वीडियो का साउंड सुनाना हमने आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं समझा, लेकिन जो कुछ है ये वसीम रिजवी, आखिर इसको इतनी ताकत और यति नरसिंहानंद को मिलती कहाँ से है? इस्लाम के खिलाफ हर वक्त ये व्यक्ति क्यों इतनी नफरत रखता है? और इसका तो फिलहाल अब कोई बायकॉट भी पूरी सभी जगह से किया जा चुका है, इसको इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये बात पहले भी बयान इस पर दिए जा चुके हैं। लेकिन इस तरह से फिर से ये मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिशें करते रहते हैं। मोहम्मद पैगंबर साहब पर लगातार यति नरसिंहानंद गलत अल्फाजी, गलत बयानी करता रहता है, इसका विरोध भी लगातार होता रहता है। ये दोनों ही व्यक्ति देश में अमन शांति मोहब्बत के खुले दुश्मन हैं, फिर भी इन पर UAP और NSA जैसे मुकदमे नहीं लगाए जाते हैं। ये तमाम चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस देश में जहां तमाम लोगों के खिलाफ अगर कोई मौजूदा सरकार या किसी और के खिलाफ कोई बात कहता है, उस पर UNSA, UAPA, यहां तक कि ट्विटर पर लिखने पर भी दर्ज कर ली जाती है, लेकिन एक इतने बड़े धर्म के खिलाफ की जा रही है, जब भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, इस वीडियो आने के बाद तमाम लोगों में रोष है, गुस्सा है, और क्या कुछ इस किताब में है वो मोहम्मद साहब की मुखालफत कर रहा है खुले तौर पर, और अब इसके लिए मजाहमत मजम्मतें भी शुरू हो गई हैं। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ इमाम मौलाना कल्बे जवाद और शियाओं के चीफ इमाम मौलाना कल्बे जवाद इस वक्त विदेश में हैं, लेकिन वहीं से उन्होंने एक वीडियो से क्या पैगाम दिया है, सुन लीजिए बेहद महत्वपूर्ण पैगाम, क्या कुछ कह रहे हैं मौलाना कल्बे जवाद। बिस्मिल्लाह मिन अश्शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरात, जैसा कि आपके इल्म में है कि मुर्तद वसीम रिजवी ने जिस तरीके से कुरान पाक की तौहीन की, और कुरान पाक में जहां के ऊपर एक जेरो जबर भी इधर से उधर नहीं हो सकता है, 26 आयतों को निकालने की कोशिश की, उसी मुर्तद वसीम रुजदी ने, इसको रिजवी नहीं बल्कि वसीम रुजदी कहिए, वसीम रुजदी ने जिस तरीके से हुजूर सरवर कायनात के लिए जो गंदे लफ्जों का इस्तेमाल किया है, सिर्फ चंद सस्ती शोहरत के वास्ते, चंद टके के वास्ते। मैं इस वक्त नजफ अशरफ इराक में हूं, भरपूर तरीके से पूरी जहान तशज्जो में इसकी मदम्मत हो रही है, और मैं भरपूर तरीके से ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड के हवाले से मुर्तद वसीम रिजवी की इस बयान की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूं, और इंशाल्लाह इंडिया आने के बाद में बाकायदा कानूनी कार्रवाई भी इसके ऊपर की जाएगी। आप जहां जहां के ऊपर हो, मेरा यह मैसेज है, मेरा यह पैगाम है कि उस वसीम मुर्तद के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद कीजिए, इसलिए कि डेनमार्क में रसूलुल्लाह के लिए एक छोटा सा आर्टिकल लिख दिया गया, एक छोटा सा वहां के ऊपर तो जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हुआ और उन्होंने एक कार्टून बना दिया था डेनमार्क में, तो उसको लेके तारीखी एहतजाज लखनऊ में हुआ। आज लोग खामोश बैठे हुए हैं, आज कोई सदा एहतजाज तक के बुलंद करने वाला नहीं है। लिहाजा चाहे शान रिसालत हो, चाहे शान अहले बैत हो, चाहे कुरान पाक की अजमत हो, हम भरपूर तरीके से उसके इस बयान की मदम्मत करते हैं, और उन RSS के लोगों की भी मदम्मत करते हैं, उन स्वामियों की भी मदम्मत करते हैं जो वसीम रुजदी का साथ दे रहा है। मैं भरपूर तरीके से इन सब हजरात की मदम्मत करता हूं, और पूरी तरीके से हम
इस मुर्तद से मुकाबले के वास्ते तैयार हैं। फगत वसलम।